थोड़ा सा बच गया, किचन का काम हो जाएगा। ठीक है, किचन का हो रहा है ना अभी, तो थोड़ा सा किचन बच गया था, आज किचन का हो जाएगा वैसे। हेलो दोस्तों, हाय, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग में आपका दिल से स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं, उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो देखिए, हम आए हैं अभी अपने मकान में और यहाँ पे जो न्यू मकान हमने लिए हैं तो उसमें आ गए हैं, जो कि थोड़े बहुत देख लेते हैं। मिस्त्री लोग काम कर रहे थे तो आज घर पे कोई नहीं था, मेरे हस्बैंड भी नहीं थे, तो इसलिए मैं आई हूँ और देखते हैं जो उन्होंने क्या क्या काम आज पूरा किए हैं। तो आइए दोस्तों, फिर अंदर चलते हैं, देखते हैं जो भैया लोग क्या क्या काम किए हैं। और देख सकते हैं आप, नीचे नीचे का जो ये पोर्शन है आपको दिख रहा है, ये नीचे का जो दिख रहा है आपको, तो ये फिनिशिंग का लिंक हो गया था, थोड़ा बहुत बाकी बाकी था जो भी कर लिए थे। और ये हमने आज सामान वगैरह मंगाए थे, ये कट्टा मंगवाए थे जो कि एक भी कट्टा खुला नहीं है ये बिल्कुल भी। पहले का जो मटेरियल ये बचा हुआ था ना, वो मटेरियल से काम हमारा चल रहा है। और भैया लोगों का ये सामान है जो भी कपड़े उपड़े हैं, तो नीचे का आप कुछ नज़ारा देख लिए, ऐसा भी हुआ नीचे का देखिए, तो नीचे का आइसिंग टूटी हो रहा है, सिंगल हुआ है अभी तक और डबल बाकी है, जो कि सिंगल में ही अभी दो तीन दिन से लगे हुए हैं भैया लोग। तो देखिए नीचे का तो आप देख लिए हैं, तो फिर हम चलते हैं एक बार ऊपर की तरफ, सीढ़ियों पे देखते हैं ऊपर का क्या फिनिशिंग हुआ है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम मेन गेट को बंद कर देते हैं, इसलिए क्योंकि कोई आ जाएगा तो फिर पता नहीं लगेगा, तो इसलिए क्योंकि अभी हमें ऊपर जाना है तो मेन गेट को इसको हम करते हैं। ये देखिए बंद हो गया है और ये हमारा जीना है ऊपर जाने का, ये देखिए। तो हम एक बार ऊपर चलने की कोशिश करेंगे, अभी खारा जीना है जो कि अभी तो काम ही चल रहा है, न्यू मकान लिए हैं दिल्ली में तो अभी फिलहाल थोड़ा थोड़ा काम चल रहा है, जो कि रेलिंग वगैरह जो लगवाएंगे वो अभी नहीं लगवाएंगे हम सीढ़ियों पे, जब हमारा सामान शिफ्ट हो जाएगा उसके बाद लगवाएंगे, क्योंकि पतले जीना है बिल्कुल देख सकते हैं, तो इसमें हम पलंग वगैरह जो बेड वगैरह है उसको हम चढ़ा नहीं पाएंगे। तो चलिए फिर ऊपर एक बार चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, देख सकते हैं आपको जीना का ऐसे ही कुछ नजारा है, पतले जीना है देखिए, ये देखिए ऊपर, और ऊपर का देख सकते हैं ये जो है ऊपर का, ये भी हो गया है ठीक ठाक से कर दिए हैं एक बार देखिए, और देख सकते हैं, और ये जीना भी देखिए, ये जीना कैसे टूटा हुआ है, जो कि इसमें जो है कल हम वो लाएंगे जो सीमेंट होता है बदरपुर वगैरह लाके, ये जीना को हम भरवाएंगे तो फिर जाके इसमें भी पुट्टी होगा, देख सकते टूट रखा है, क्योंकि हमने खाली मकान लिए थे तो इसीलिए थोड़ा रिपेयरिंग तो चाहिए ही, न्यू मकान बना हुआ है एक साल का देखिए। और हम आ गए हैं ऊपर, और ऊपर आ गए हैं तो इधर देख सकते हैं आप, ये हमारा ग्रिल हो गया, ये उधर ये देख सकते हैं ये ग्रिल हो गया इधर का ऊपर का मंजिल का, और देखिए इधर हमारा जो होता है लैट्रिन वगैरह बाथरूम जो होता है वो चीज़ है, ये नहाने धोने का, तो ये देख सकते हैं छोटा सा, इसमें अभी कलर नहीं हुआ है। और ये रहा हमारा, ये जीना हो गया ऊपर जाने का, जो तीसरी मंजिल पे ऊपर जाएंगे ऊपर का फिनिशिंग नहीं हो गया है। तो दोस्तों तो फिर अब चलो ये एक बार चलते हैं वहाँ पे। तो देखिए दोस्तों ये हो गया किचन, जो कि भैया काम कर रहे थे अभी यहाँ पे, और देखिए ये किचन, और किचन का आई होने कर दिए हैं कुछ काम, एक बार लाइट जला देते तो अच्छा रहता, वहाँ बाबू लाइट जली है वहाँ से एक बार पहले जाके। तो देखिए अब हो गया है किचन का फिनिशिंग, नीचे कर दिए हैं और अभी देख ही सकते हैं क्योंकि ये सिंगल हो रहा है, डबल होगा बाद में, तो अभी हम सिंगल का आपको दिखा रहे हैं। और ये देखिए किचन जो है, ये किचन भी जगह जगह से टूट रखा है, ये देख सकते हैं आप, इसमें मसाला कैसे डाले हैं कैसे नहीं, ये देखिए कैसे हाल हो रखा है इसका थोड़ा थोड़ा, तो ये देख सकते हैं, इसको भी हम कल भरवा देंगे मसाले मसाले से और जाके तब होगा। ये हमारा रूम हो गया ऊपर का ये रूम, ये दरवाजा हो गया, और ये गेट देख सकते हैं जिसमें ये खाली है, तो इसमें हम कुछ लगवाएंगे जो कि कलर रिपेयरिंग होगा इसका भी, तो ये देखिए ये चीज हो ही गया है। और ये रूम ये देखिए बेड ऊपर का रूम, ये छोटा सा रूम हो गया हमारा, जो कि हम ऊपर ही रहेंगे वैसे तो, ऊपर हम सेट स्टार्ट करेंगे अपना पलंग वगैरह जो जाना है, क्योंकि नीचे हॉल है तो बैठक हो जाएगा हमारा रिश्तेदारों के लिए आने जाने के लिए। तो ये देखिए हमारा हो गया रूम। और चलिए दोस्तों फिर हम चलते हैं एक बार छत पे, जो कि इधर छत है, और छत पे हम चलेंगे, छत का जीना तो मैंने दिखाई दी थी ऊपर आपको दोस्तों, देख लिए। तो ऊपर का जो ये है तीसरी ऊपर का जो बोलते हैं इससे के मतलब नीचे ये ऊपर का फ्लोर के बाद ये ऊपर का जीना हो गया ये जाने के लिए ये है। और दोस्तों आज ये खुशी की बात है, जो मेरा छोटा लड़का है वो कैमरा मैन बना हुआ है, और मैंने उन बोली हूँ अपने बेटे को जो बाबू थोड़ा सा शूट कर दो, क्योंकि कोई कभी किसी ब्लॉग में आते नहीं है किसी वीडियो में, तो आज उन्होंने बच्चों ने हमारे थोड़ा सा बाहर का शूट कर दिया, क्योंकि अकेले
फोन पकड़ने में, और पूरा व्यू अच्छी तरह से नहीं आता है और नहीं मैं दिखा पाती हूँ। तो ये ऊपर हो गया, तो ऊपर चलते हैं, एक बार चलते हैं फिर तो ऊपर। चलिए तो चलिए दोस्तों, फिर हम छत पे एक बार चलते हैं और छत पे देख सकते हैं आप, ये हो गया है सिंगल कुटी में बिल्कुल। और ये ऊपर का बच गया है, ये देखिए गाटर ऊपर का, ये पत्थर ऊपर का बच गया है। देखिए दोस्तों, ये ऊपर का है जो कि अभी ऊपर भी होगा, और ये कर दिए हैं इन्होंने बिल्कुल अच्छी तरह से। और हम ऊपर आ गए हैं, ये देखिए दोस्तों ऊपर आ गए हैं। ये हमारा छत का कुछ ऐसा नजारा ऊपर आ गए। देखिए तो दोस्तों, अब मैं छत पे जैसे आई हूँ, ये छत का ग्रिल हो गया, छोटा सा ग्रिल हुई है, इतना ही छोटा, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये छोटा सा ग्रिल है। और ग्रिल के ठीक इसके पार में ये लैट्रिन बाथरूम दिया गया है ऊपर, क्योंकि ऊपर अगर छत पे जैसे हम सोते वगैरह है तो ये ऊपर रहना भी ज़रूरी है। और ये जैसे कि ग्रिल हो गया हमारा, ग्रिल के नीचे ठीक गली है, गली नहीं बना हुआ है, और नीचे झोर दिख रहा है आपको, झोर नहीं बोल सकते, मतलब ये पानी है जो कि यहाँ पे लोगों के घर से जो पानी आते हैं, तो ये बहुत बड़ा ही नदी सा बन रखा है। देखिए कुछ ऐसा नज़ारा है। और ये छत हो गया, छत पे भी उन्होंने भैया ने कर दिए हैं काम, थोड़े बहुत देख सकते हैं। ये एक बार बाहर के दिखाते हैं आपको कैमरा करके। तो देखिए दोस्तों, ये दीवारें जो है ना, ये दीवारें चारों साइड की दीवारें हो गई हैं, और देखिए चारों साइड की दीवार हो गया है, और देखिए इधर का भी दीवार हो गया है, आपको दिख सकता है इधर का भी दीवार हो गया है, ये देखिए। और कुछ सामाने हैं बचा हुआ जो कि यहाँ पे ये दिख सकता है आपको, ये है, देखेंगे रखना होगा तो रखेंगे, वरना देखेंगे फेंक देंगे, कैसा क्या करना है कुछ नहीं, अभी तो फिलहाल काम चला रहे हैं इसमें, क्योंकि ये हमारा नहीं है, उनका ही था जो पहले रहते थे ना, उनका ही सामान है। और देख रहे छत वत कैसे हो रखा हाल, और झाड़ वगैरह ऐसे ही पड़ा हुआ है ऐसे, क्योंकि सफाई तो करनी ही पड़ेगी। तो देखिए आप लोगों ने कैसा लगा ये मकान। तो दोस्तों देखिए आप लोगों ने, हो गया है सब कुछ, हम नीचे एक बार चलते हैं अब उतर के, क्योंकि अब नीचे चलते हैं, अब मैं घर जाऊंगी क्योंकि रात हो गया है, अब थोड़ा सा अंधेरा हो गया है, इसीलिए अब हम नीचे चलते हैं, नीचे जाके घर भी जाना है, इसीलिए अब हम ये आ चुके हैं ऊपर वाले में। बाबू इसको ले ले डब्बा को एक बार, और पानी को, फिर चल पड़ेंगे। चलो आप आगे, ना ना नीचे रख देंगे ना, कोई ना ऊपर नहीं, नीचे बल्ब हम एक बार बंद कर देते हैं, क्योंकि अब हम जा रहे हैं, शाम हो गया, आज मेरे हस्बैंड नहीं थे और बच्चे एक बार आए थे, और मैं फिलहाल बल्ब वगैरह जो है ना वो बंद करके चले जाते हैं, क्योंकि अब हम जा रहे हैं जहाँ पे हम रह रहे हैं, ये तो न्यू लिए हैं, तो इसमें हम रिपेयरिंग वगैरह करा रहे हैं। रिपेयरिंग क्या है, वही है, पुट्टी करवा रहे हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ प्लास्टर था, तो थोड़ा रंग पेंट करा देंगे तो बढ़िया लगेगा रहने में, इसीलिए अब हम एक बार चलते हैं बिल्कुल नीचे। ये हम आ गए हैं नीचे, और जीना भी, ये छोटा सा बालकोनी सा दिया हुआ है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। इसमें देखिए मोटर रखा हुआ है, ये पिलास है, ताला चाबी है, ये नलके का कुछ है ऐसा सामान, देखिए। तो आ गए दोस्तों हम अपने मेन गेट के पास नीचे, और आप लोगों ने देख लिया कुछ नजारा ऐसा था बिल्कुल अच्छा, देखिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, फिर मैं नीचे आ चुकी हूँ, और हम वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। और कितना बड़ा, कितना क्या बना होगा मुझे नहीं पता, प्लीज आप लोग सपोर्ट करिएगा और हमें साथ दीजिएगा। और ये हमारा छोटा सा मकान आप लोगों को कैसा लगा था, प्लीज हमें छोटा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप लोग, और हमें सपोर्ट करते रहिए इसी तरह। और हमारा काम चल ही रहा है, जैसे जैसे यहाँ पे काम वगैरह होता रहेगा मैं सब कुछ दिखाती रहूंगी, और उसके बाद गृह प्रवेश होगा, पूजा वगैरह होगा, उसके बाद ही हम आएंगे। और काफी लंबा टाइम हो गया हमें किराए पे रहते हुए, तो ये छोटा सा हमारा अपना मकान हुआ, तो ये समझिए प्यार का मंदिर है हमारा ये। तो फिर दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, उम्मीद करती हूँ ये ब्लॉग आप लोगों को पसंद आए, तो लव यू हमारी यूट्यूब फैमिली, इसी तरह आप लोग खुश रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।